हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं गुरशरण मौर्य और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसान ज़िंदगी। तो दोस्तों, आज मैं देने वाला हूं आपको एक बड़ी खुशखबरी। जी हां, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लखनऊ में बनेगी देश की पहली नाइट सफारी। 150 एकड़ में शिफ्ट होगा लखनऊ जू। लखनऊ के कुकरेल में सिंगापुर की तर्ज पर देश की पहली नाइट सफारी बनेगी और लखनऊ का ऐतिहासिक चिड़ियाघर वाजिद अली शाह भी कुकरेल में शिफ्ट होगा। तो अब यहाँ 150 एकड़ में नया जू और 350 एकड़ में नाइट सफारी बनेगी, जबकि कुकरेल का कुल क्षेत्रफल 2027 हेक्टेयर है और यहाँ बायोडायवर्सिटी पार्क भी बनेगा। मंगलवार 16 अगस्त 2022 की कैबिनेट बैठक में वन विभाग को इसकी मंजूरी दे दी है। देश में अब तक 13 ओपन डे सफारी हैं, परंतु एक भी नाइट सफारी नहीं है। नाइट सफारी के तहत कैनोपी वॉक, कैंपिंग, माउंटेन बाइक ट्रैक, दीवार पर्वतारोहण, ट्री टॉप रेस्टोरेंट और फूड कोर्ट भी बनाए जाएंगे। विभागीय मंत्री जी ने बताया, सिंगापुर की तर्ज पर देश की पहली नाइट सफारी बनेगी, जहां विश्व स्तरीय सुविधाओं के तहत गाइड भी हायर किए जा सकेंगे और टॉय ट्रेन और जीप की सवारी भी की जा सकेगी। नाइट सफारी में अट्रैक्टिव एंट्री गेट, एक्सप्लेनेशन सेंटर, बटरफ्लाई सेंटर बनाया जाएगा। इस नाइट सफारी में 75 एकड़ में तेंदुआ सफारी, 60 एकड़ में भालू सफारी और 75 एकड़ में टाइगर सफारी बनाया जाएगा। अब इन जीवों को बाड़े में न रखकर खुले आकाश में कैटल ग्रिड में रखे जाएंगे। यह एक ओपन एयर निशाचर चिड़ियाघर होगा जो रात में खुलेगा और चंद्रमा की रोशनी से मिलती जुलती मंद प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। लखनऊ प्राणी उद्यान की बात की जाए तो यह शहर के मध्य में होने के नाते वाहनों का धुआं एवं शोर इन पशु पक्षियों के अनुकूल नहीं है, तथा दीपावली एवं अन्य त्योहारों पर होने वाले कानफोड़ू धमाके इन जीवों के लिए जानलेवा तक साबित होते हैं। अब इनको खुली हवा एवं स्वच्छ वातावरण में विचरण करने का सौभाग्य मिलेगा। कुकरेल संरक्षित वन की स्थापना 1978 में उत्तर प्रदेश वन विभाग और भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सहयोग से की गई थी। इस केंद्र की स्थापना के विचार 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थान प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ की इस रिपोर्ट के बाद आया, जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश की नदियों में मात्र 300 मगरमच्छ ही जीवित बचे हैं। मगरमच्छ और घड़ियालों के लिए कुकरेल संरक्षित वन को विकसित किया गया। आजकल यह एक पिकनिक और पौध नर्सरी के रूप में लोकप्रिय हो रहा है। देश का पहला नाइट सफारी अपने लखनऊ में बन जाएगा तो सोच नज़ारा क्या होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएँ।